देखे चलते चलते हम जहाँ पर आए हैं प्रवीण जी मकीम मेडिकल वालों के पास, और देखिए जन्माष्टमी तो सभी जानते हैं, लेकिन राधा अष्टमी की आजकल जो त्यौहार है, जो उनका उत्सव है, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है लुधियाना में। पहले तो गोविंद गोधाम में था, लेकिन अब जितने भी यहाँ पर कृष्णा के मंदिर हैं सभी लोग उस उत्सव को मनाने लगे हैं। मेरे साथ प्रवीण जी है मकीम मेडिकल वाले, ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम करते हैं गोविंद गोधाम में। तो बताइए गोविंद गोधाम में क्या क्या आजकल आप जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएंगे। राधे मेरी स्वामी, मैं राधो को दास, जन्म जन्म और दीजियो वृंदावन को वास। ब्रिज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है विश्वभान की दुलारी। अपने चरणों से लगा लो श्याम मुरली वाले। श्री राधाष्टमी, राधे नाम ही एक ऐसा कहना है कि उस दिन इनका प्रकट उत्सव मनाया जाता है श्री राधा रानी जी का। राधाष्टमी के रूप में जन्माष्टमी के एग्जैक्टली अगली अष्टमी जो आती है 15 दिन बाद, उस दिन ये उत्सव उनका प्रकट उत्सव मनाया जाता है। और जिनकी कृपा राधा जी के बिना श्याम अधूरे हैं, और इसी चीज़ को लेकर सुबह जिस दिन इनका अभिषेक सबसे पहले 5:30 बजे मंगला आरती के तुरंत बाद 5:30 बजे इनका अभिषेक है, उस महाअभिषेक के साथ इनके चरण दर्शन, उसके साथ इनके चरण दर्शन के साथ सभी लोग इनका अभिषेक कर कर साथ में चरण के दर्शन करते हैं, और इनको उसके साथ खजाने रूप में दिया जाता है, खजाना दिया जाता है चरण दर्शन के बाद, और मोतियों की वर्षा होती है पूरे गोविंद गोधाम में जहां इनका अभिषेक होता है और इनके दर्शन होते हैं। तो आप सबसे लुधियाना वासियों से यही अनुरोध है और प्रार्थना है, परिवार साथ आइए और इसका आनंद लें। उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद इनके भव्य फूल बंगला, 56 भोग और महासंकीर्तन के साथ इनका जन्म उत्सव प्रकट उत्सव मनाया जाता है। उसमें हमारे अश्विनी बेदी जी जो राम शरणम से हैं, उनका प्रवचन 5वें शुरू होता है अमृत वारी सत्संग से। उसके बाद तुरंत बाद 7 बजे अपने मनोज शर्मा जी अपने ब्रिजवासी आकर वृंदावन से अपना महारास करेंगे। उस महारास में सबसे बेहतर देखने की चीज़ है जो भी प्रभु की लीलाएं हैं, राधा गोविंद जी की लीलाएं हैं, उनका आनंद लेने योग्य है। पहली बारी श्री गोविंद गोधाम में लुधियाना की धरती पर ब्रिज रास होने जा रहा है, और उस राज में ये कहा गया है कि गोविंद जी रास के ही पीछे थे। जब ये कहते हैं कि बिहारी जी को पूरे साल में एक बारी ही मंगला आरती होती है, बाकी दिन मंगला आरती क्यों नहीं होती, उसके पीछे कहा गया है कि बाकी दिन गोविंद जी सुबह से पहले ही महारास के लिए निधिवन में चले जाते हैं। रात को वो निधिवन में रहते हैं, और सुबह मंदिर जब खुलता है उसके बाद उनका प्रवेश होता है। कहने का तात्पर्य है यह है कि गोविंद जी राधा जी के साथ महारास करते हैं, और वही महारास आपको लुधियाना में श्री गोविंद गोधाम में देखने को मिलेगा। और उसमें एक बात और की गई है कि एक चांदी की बांसुरियों का लकी ड्रॉ रखा गया है, उसमें जो भी 108 बार राधा नाम लिख कर लाएगा, राधे राधे लिख कर लाएगा, वो अपनी उस पर्ची के नीचे अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम गोविंद गोधाम में जमा कराएगा, और उस दिन तुरंत प्रोग्राम के बाद जब विश्राम होगा उसका लकी ड्रॉ निकलेगा। 21 चांद्री की बसनरियाँ वो सभी में लकी ड्रॉ के रूप में दी जाएंगी। और विशेष बात यह है, सभी के भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सभी से प्रार्थना है, गुजारिश है कि परिवार साथ आएँ और इसका आनंद लें। जय जय श्री राधे। प्रवीण जी ने बताया मकीम मेडिकल वालों ने कि राधा अष्टमी जो 11 सितंबर को बुधवार वाले दिन सुबह से यानी कि प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, लेकिन शाम को जब महारास यानी कि ब्रिजवासी यहाँ पर कीर्तन करेंगे और सारी रात 12 बजे तक जो कीर्तन वगैरह होगा उसका आनंद लें, और भोजन की व्यवस्था है वहाँ पर, और लकी ड्रा भी निकाला जाएगा। एक बार आप जरूर आए गोविंद गोधाम में तो आपको पता चलेगा कि राधा अष्टमी और राधा राधा जो राधा का नाम जपने से कितना पुण्य मिलता है वो आपको।